रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के शिवपुर में हिंदू संगठनों ने रैली निकाली थी। जब ये रैली ग्रैंड ट्रंप रोड के एक मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंची तो वहां हिंसा की कुछ घटनाएं हुई थी। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वहां सड़क पर की कई दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी और कुछ में आग लगाने की भी घटनाएं सामने आई थी। इसके एक दिन बाद उसी जगह पर फिर से हिंसा की घटना सामने आई। खबरों के मुताबिक पुलिस के सामने पथराव हुआ था और इस मामले में 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन सब के बीच 30 मार्च की रात 11:15 पर बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने ये दो वीडियोस ट्वीट किए और कैप्शन में लिखा कि अगर आप गाय का दूध निकाल रहे हैं तो आपको लात खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। गौर करें कि यहाँ इस कैप्शन का संदर्भ ममता बनर्जी की मई 2019 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित है। वहीं सुकांत मजुमदार द्वारा ट्वीट किए गए वीडियोस देखते ही देखते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गए। कई वेरीफाइड यूजर्स ने ये वीडियोस ट्वीट करते हुए रामनवमी के मौके पर बंगाल के मंदिर में जिहादियों द्वारा आग लगा देने का दावा किया। बहरहाल ऑल्ट न्यूज़ ने इस दावे की तफ्तीश करने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग की और अपनी तहकीकात में हमने पाया कि सोशल मीडिया पर किया गया दावा पूरी तरह से गलत है। सबसे पहले तो हमने इस मामले से जुड़ी रिपोर्ट्स पढ़ी, लेकिन हमें इनमें मंदिर में आग लगने की घटना का जिक्र नहीं मिला। इसलिए ऑल्ट न्यूज़ की कोलकाता में मौजूद टीम ने घटनास्थल का दौरा किया। हमने ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित शिवपुर पुलिस स्टेशन के आसपास के स्थानीय लोगों को वायरल वीडियो दिखाया और उन्होंने हमें शिवपुर श्री एसी मार्केट के सामने मौजूद एक शिव मंदिर का रास्ता बताया। ऑल्ट न्यूज़ के इंद्रदीप भट्टाचार्य पुजारी सुदामा पंडित से मिले और उन्हें वायरल वीडियो दिखाया। उन्होंने बताया कि वीडियो में दिख रही जगह मंदिर के पीछे की गली है। उन्होंने कहा कि वीडियो में दिखने वाली आग मंदिर के सामने पड़े प्लास्टिक के क्रेट, टोकरिया और वहां पड़े कचरे तक फैल गई थी। आगे सुदामा पंडित ने ऑल्ट न्यूज़ को घटनाक्रम के बारे में ये बताया। वही जला है, उधर जला है, उधर को क्या जल रहा था? चीज का ले प्लास्टिक मतलब ऐसा अगर दावा किया जा रहा है कि ये मंदिर जल गया था वो गलत है। तो जो जो धुआं निकल रहा था वो धुआं से सब बोलता मंदिर में बोले। दूसरा दिन जो हुआ है जो अगला दिन ईटा पत्थर बहुत आया है। अब ये बात तो साफ हो गई है कि मंदिर को आग के हवाले नहीं किया गया था, लेकिन असल में ये वायरल वीडियो कहां से रिकॉर्ड किया गया था? हम इसकी छानबीन करते हुए मंदिर के पीछे वाली गली में पहुंचे और वो जगह ढूंढने की कोशिश की जहां से ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। गौर करें कि वायरल वीडियो किसी बालकनी या खुली छत से रिकॉर्ड किया गया लगता है। इस क्लू को ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि गली में 30 मीटर की दूरी पर बिना पेंट की सिर्फ प्लास्टर वाली ये बिल्डिंग है, जो कि वायरल वीडियो में भी फोन के साथ खड़ी लड़की के सामने दिखती है। हम एग्जिट जगह की तलाश में इस प्लास्टर वाली बिल्डिंग के बगल वाली बिल्डिंग की छत पर पहुंचे और देखा कि वहां किनारे से वायरल वीडियो जैसा ही नजारा दिखता है और ये बात व्यूअर्स स्क्रीन पर दिख रही कंपैरिजन में साफ तौर पर देख सकते हैं। वायरल वीडियो जहां से रिकॉर्ड किया गया था वो ये जगह थी। हमने मंदिर के आसपास और सामने बैठने वाले फल बेचने वालों से भी बात की। एक लोकल फल जूस बेचने वाले साहब आलम ने ऑल्ट न्यूज़ की टीम को बताया कि जब रामनवमी की रैली आई तो उनमें से ज़्यादातर लोग नमाज पढ़ने के लिए गए थे। उन्होंने फल बेचने वालों की टोकरियों और प्लास्टिक के क्रेटों को सड़क पर फेंक दिया और उनमें आग लगा दी। उन्होंने हमें नई खरीदी हुई टोकरियाँ भी दिखाई और कहा कि इस कारण उन्हें नई टोकरियाँ लेनी पड़ी। हावड़ा के एसपी प्रवीण त्रिपाठी ने इस दावे को खारिज कर दिया कि रामनवमी के दिन मंदिर में आग लगाई गई थी। हालांकि अब सवाल उठता है कि घटनास्थल पर आग किसने लगाई थी। ऑल्ट न्यूज़ ने जब मंदिर के पुजारी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि रैली में आए लोगों ने आग लगाई थी और उन्होंने खुद मंदिर से लोगों को ऐसा करते हुए देखा था। ऑल्ट न्यूज़ को एक स्थानीय कार्यकर्ता ने ये वीडियो भी भेजा जिसमें पूरी घटना दिखती है। पत्रकार तमाल साहा ने ये वीडियो ट्वीट किया जिसमें साफ तौर पर रैली में शामिल लोग आग में चीजें फेंकते हुए दिख रहे हैं। यानी हावड़ा के शिवपुर में रामनवमी के दिन निकाली गई रैली में कुछ लोगों ने एक मंदिर के सामने मौजूद फलों की टोकरियों में आग लगा दी थी। इस घटना के वीडियोस शेयर करते हुए बंगाल भाजपा के अध्यक्ष ने झूठा दावा किया कि मुसलमानों ने मंदिर में आग लगा दी थी। व्यूअर्स गौर करें कि ये दावा पूरी तरह से एक भ्रामक कहानी है। अगर आप सुकांत मजुमदार के ट्वीट पर
कमेंट्स और कोटट्वीट्स पर एक नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके फॉलोअर्स ने मुसलमानों पर अपना गुस्सा निकालते हुए इस तरह के हेट मैसेज लिखे हैं।